रात कारोबार के बाद आखिरी घंटे में बाजार ने बढ़त गवाई है। 10,600 का स्तर पार करने के बाद निफ्टी 10,580 के करीब जाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो आखिरी आधे घंटे में हमने देखा कि दबाव बना और मामूली तेजी के साथ हालांकि क्लोजिंग हुई है। और बाजार में हुए विस्तार से बात करते हैं कारोबार पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा और कल अहम ट्रिगर्स क्या होंगे बताएंगे प्रदीप पन्ना। लेकिन पहले आशीष मैं आपके पास आती हूँ, ये बताएं कि कितनी उठापटक थी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में? तेजी तो गवा दी थी लेकिन स्टॉक जो रडार पे था वो था TCS। एक समय 4% का उछाल, देश की पहली कंपनी जो 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप आज क्रॉस करती हुई नजर आई। हालांकि उछाल के बाद पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजी और फाइनली वो स्टॉक फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंक यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स था। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक जैसे काउंटर्स में मजबूती, लेकिन ICICI बैंक एक हैवीवेट दबाव में था। इनफैक्ट आज के रिजल्ट रिएक्शन देखिए आप तो HDFC बैंक शनिवार को रिजल्ट्स आए थे, उस स्टॉक में भी 1% के आसपास की कमजोरी। प्लेट चेंज करें तो आपको स्टॉक्स नजर आएंगे। HDFC बैंक के साथ साथ हमें रिएक्ट करना था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पे। लोन ग्रोथ बेहद स्ट्रांग थी लेकिन यहां पर भी वही हुआ, रिजल्ट आने के बाद मुनाफा वसूली का दबाव इस स्टॉक पे हावी होता हुआ। मेटल्स में आज सुबह से दबाव था तो हिंडालको 2.5% कमजोरी के साथ, वेदांता में 100% की कमजोरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कम पे, आपने पेट्रोल और डीजल के तो बहुत रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पैसा दे रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है, पर ये जो महंगा पड़ रहा है उसका फायदा असल में BPCL, HPCL, IOC को। अच्छी बात कि कच्चे तेल की जो बढ़ती कीमतें ये लोग अभी भी पास ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन ईयर में, इसीलिए स्टॉक मार्केट खुश हुआ 1-3% का उछाल। रिजल्ट रिएक्शन की बात करी थी मैंने तो एक छोला मंडलम, बाजार बंद होने से कुछ देर पहले नंबर्स आए, नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग है NBFC कंपनी होने के बावजूद, जहां पे एक्सपेक्टेड था कमजोर परफॉर्मेंस, 7% का उछाल इस स्टॉक में। मिड कैप IT आज भी फेवर में, टाटा एलेक्सी, माइंडट्री, NIT टेक्नोलॉजी सब में अच्छी खासी खरीदारी। फार्मास्यूटिकल्स आज सुबह से मजबूत था और ये एंड तक पॉकेट मजबूत रही। और बिंदो, कैडिला हेल्थ, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे स्टॉक हरकत में थे। और एक पैक जो कमजोर था ADAG, रिलायंस नेवल, रिलायंस कम्युनिकेशन, दोनों में आज देखिए 2-5% की कमजोरी। बिल्कुल आशीष, ये तो बात हुई है आज के कारोबार की, लेकिन प्रदीप आप ये बताएं कि कल के लिहाज से क्या अहम ट्रिगर्स हैं और बाजार की दशा और दिशा कैसी रह सकती है कल? बाजार पे ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड काफी हद तक हावी है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चाल के साथ ही कदम ताल करते हुए नजर आए हैं। हालांकि आज के दिन हमने देखा कि ग्लोबल वीकनेस के बावजूद बाजार निचले स्तर से रिकवर हुए पर ऊपर टिक नहीं पाए, पुल बैक बहुत कामयाब नहीं कहा जाएगा। और इसकी वजह ये थी कि एक तरफ बाजार ऊपर जा रहा था, दूसरी तरफ रुपया नीचे आ रहा था। और इस परिस्थिति में IT स्टॉक्स ठीक है कि उनको फ़ायदा होगा तो वो मजबूत रहे, लेकिन उसके सामने बैंकिंग और दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स ने साथ नहीं दिया बाजार का, तो ये चिंता आगे भी बनी रहेगी। और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि आज अमेरिकी मार्केट में जो वहाँ पे 10 साल का बॉन्ड यील्ड है 2.96 हो गया था, कल अगर वो 9.7-9.8 की तरफ जाता है तो ये फिर बुरी खबर होगी और भारतीय बाजार एक बार फिर कमजोरी के साथ ही खुलेंगे। कच्चा तेल बार बार 74 के ऊपर निकलता है, अगर ये 74 के ऊपर ही निकल कर आज सेटल हुआ तो वो भी भारतीय बाजारों के लिए एक बुरी खबर होगी, रुपए के लिए भी एक बुरी खबर होगी, तो दबाव देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में घरेलू बाजार में जो खबरें हैं, जो नतीजे हैं, वो इतना बड़ा असर नहीं डाल पा रहे हैं जितना कि ये ग्लोबल मैक्रोस, क्योंकि आप देखिए HDFC बैंक के नतीजे बुरे नहीं थे, अच्छे थे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी अच्छे थे और जो मार्जिन पे दबाव आया वहाँ मैनेजमेंट ने कोशिश की है, उन्होंने ऑलरेडी रेट्स बढ़ा दिए हैं तो अगला क्वार्टर बेहतर हो जाएगा, ये गाइडेंस आ गया है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक मुनाफा वसूली की चपेट में आए, क्योंकि रुपया गिर रहा है, क्योंकि बॉन्ड बढ़ रहे हैं, क्योंकि घरेलू मार्केट में फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है और ये ऐसी स्थिति में वैल्यूएशन थोड़े महंगे नज़र आ रहे हैं। तो ग्लोबल मैक्रोस डोमिनेट कर ले रहे हैं घरेलू फैक्टर्स को, IT स्टॉक चल रहे हैं लेकिन इसलिए कि रुपए में गिरावट आई तो उनको फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से नतीजों पर नज़र होगी। भारतीय एयरटेल कई सालों के बाद एक क्वार्टरली लॉस पोस्ट करेगा तो ये पूरे के पूरे सेक्टर के लिए सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला एक कारण हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि मंगलवार के दिन ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ऊपरी स्तर पर सोमवार की तरह उछाल में बाजार टिक पाते हैं कि नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। 25,000 से 25,100 के बीच निफ्टी बैंक क्या फिर थक जाएगा,
10,600 के ऊपर निकलकर निफ्टी क्या फिर से बड़ी मुनाफा वसूली या बिकवाली की चपेट में आएगा, तो ये अड़चने अभी भी बनी हुई हैं, इनको हम डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए और बाजार की चाल पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गुड इवनिंग गौरांग, स्वागत है आपका। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार में हमने उठापटक तो देखी है, लेकिन घरेलू ट्रिगर्स के लिहाज से नतीजों पर हमारा फोकस रहेगा कल भी कायम, क्या कहेंगे आप? तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से आने वाले महीने डेढ़ महीने तक, जब तक चौथी और आखिरी तिमाही के पिछले साल के संपूर्ण निरीक्षण देख नहीं जाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से बाजार में क्षेत्र के हिसाब से और उन क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिनके नतीजे अच्छे या बुरे आते हैं उस पर मेरे ख्याल से बाजार ज्यादा ध्यान देगा। और हमारे लिहाज से कुछ दो या तीन क्षेत्र को छोड़ के कमूमन सारी बाकी जो अन्य क्षेत्र है उनके नतीजे पिछले तिमाही से बेहतर आएंगे वैसा हम मान रहे हैं। और हमने ये भी देखा है 10,550 10,600 के आसपास थोड़ा बहुत भारीपन भी हो रहा है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में हमने 9,950 का एक निचला स्तर देखा था और वहां से हम 10,500 10,600 तक फासला तय किया है, तो वो काफी काबिले तारीफ रिकवरी हमने देखी है। अब यहाँ से इंडेक्स पर ज्यादा काम नहीं होगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने मिलेगा नतीजों के आधार पर। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे TCS का। और देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने नया इतिहास रचा है, मार्केट कैप के लिहाज से 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली वो देश की पहली कंपनी बन गई है। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी भी हमने देखी है और TCS की यात्रा बड़ी दिलचस्प रही है। 2004 में आई TCS IPO में अगर किसी निवेशक ने 1,00,000 का निवेश किया होता तो वो अब 16 गुना बढ़कर 16,00,000 हो गया होता। 100 करोड़ डॉलर की कंपनी बनने के बाद टाटा समूह के चेयरमैन इंद्र शेखरन ने खुशी जताई है। उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि TCS आने वाले समय में भी बेहतरीन कंपनी बनी रहेगी। आपके पहले विचार, 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, भारत की पहली कंपनी है जिसने 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप लिया, काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे आज आप? बहुत खुश है हम लोग, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट that we have been waiting for, and the company has made significant investments, and I've been betting on the digital transformation of all of our clients. Wo moment aaya hai, future both promising, future is very both promising hai. So we are very happy. August 2004 mein TCS ki listing hui thi, you listed at $10 billion, now you are at $100 billion. नेक्स्ट 100 बिलियन डॉलर्स के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं सर? बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो डिजिटल, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और क्लाउड विल हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन ईच इंडस्ट्री एंड ईच क्लाइंट। और TCS हैज इन्वेस्टेड इन ऑल दीस एरियाज एंड हैव डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन स्टैक बनाया है। बिल्कुल, तो जुड़ेंगे हमारे गेस्ट के साथ गौरांग। यहाँ पर TCS के शेयर में तो हमने देखा है लगातार तेजी और बम्पर मुनाफा भी कमा के दिया है निवेशकों को, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे IT पैक में भी अब कितना जोश डाला है इस खबर ने और कितना बरकरार रहेगा ये भी बताएं। देखिए, एक इवेंट होना था वो हो चुका है और उस इवेंट होने के बाद हमने आज ही देखा कि TCS के शेयर में और बाकी अन्य IT कंपनी के शेयर्स में मुनाफा वसूली आई। और कविता, 2016 नवंबर से जब TCS का एक निचला स्तर बना था ₹2,065 का, तब से आज के तारीख तक हमने कवायद की थी और जिन्होंने हमारी कवायद पर निवेश किया था IT क्षेत्र में उन्होंने 50-60-70% के रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल चुके हैं। अब यहाँ से और भी ऊपर के तरफ के दायरे आने वाली तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगा और कुछ कंपनियों ने IT की करीबन 70-80% का भी रिटर्न दिया है। मिसाल के तौर पर आपको पिछले साल जो IPO आया था L&T इन्फोटेक और टेक्नोलॉजीज, इन्होंने ही 70-100% का रिटर्न खड़ा करके दिया है। तो अब शायद साइडवेज हो सकता है IT क्षेत्र और नतीजों के आधार पर आने वाले जो कंपनी के, भारतीय IT कंपनी के नतीजे बाकी, उनके आधार पर मेरे ख्याल से रिएक्शन देखने मिला है। तो जल्दबाजी करके अब
इतने ऊपर आ चुके हैं करके मैं थोड़ा करेक्शन आए उसकी कवायद करूंगा। अगर आपको नया निवेश करना है तो थोड़े निचले स्तर पर आप करें। ये तो आपकी आईटी क्षेत्र में ये राय है, लेकिन कुछ अहम खबरों पर हम आपकी राय भी चाहेंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम ज्यादा होते हुए देखेंगे, तो आपको बता दें कि गन्ना किसानों का भुगतान दिलाने के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में तीन फॉर्मूलों पर चर्चा भी हुई है, जिसमें किसानों को प्रोडक्शन सब्सिडी देने और चीनी पर सेस लगाना शामिल है। सरकार एथेनॉल की कीमत बढ़ाने पर भी विचार कर रही है और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जल्द ही ये सुझाव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। गौरांग, ये बताएं कि आपका रिएक्शन क्या होगा बाजार बंद होने के बाद ये तमाम खबरें आई। देखिए, एक क्षेत्र ऐसा है जो सरकारी नियमों के अनुसार और नीतियों के अनुसार रुझान आता है, और एक समय था जब कुछ चीनी क्षेत्र के शेयर ने 100, 200, 300% तक के रिटर्न दिए। अब मौजूदा हालात ऐसी है कि और सरकारी नियमों में और नीतियों में बदलाव होगा, उस तरीके का रुझान आएगा, और ये जो बैठक हुई और जो निर्णय लिया गया है उस पर जब तक साइन सील और डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस खबर को लेकर के शायद चीनी क्षेत्र के शेयर्स में कल आपको थोड़ा बहुत उछाल दिख सकता है। कितना टिकेगा ये तो जो तय किया है तीन बदलाव को या सुझाव को वो पारित हो जाते हैं तभी पता चलेगा, लेकिन एक निजक रिएक्शन कल आप बिल्कुल दे सकते हैं ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद आपकी राय चाहेंगे। गौरांग, अगर आप दर्शकों को गाइड कर सकें तो भारतीय इंफ्राटेल ने आज जो नतीजे पेश किए हैं, मुनाफा 606 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय की बात करें तो ये 1673 करोड़ पर आ गई है और साथ ही 14 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आपका टेक नंबर्स पर? तो हमारी खरीदारी की राय है भारतीय इंफ्राटेल पर कुछ समय पहले, और जो स्तर पर आज बंद हुआ है और बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए हैं भारतीय इंफ्राटेल के, उसके आधार पर कल एक रिएक्शन आप देखेंगे तो ऊपर के तरफ के दायरे में मुनाफा बांधने की राय होगी। इस ऊपर के स्तर में नया निवेश मत कीजिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा जो है 540 करोड़ रुपए आया है और NII की बात करें तो इसमें कमी आई है, 1073 से कम होकर ये 1057 करोड़ रही है और 6.8 पर शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। यहाँ पर लंबी अवधि से निवेश की सलाह, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके नतीजों में सुधार होगा और लोन बुक ग्रोथ भी देखने मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बात यह हाउसिंग फाइनेंस की कविता के एसेट क्वालिटी को लेकर के कोई भी चिंता वाली बात नहीं। ओके, गौरांग, भारतीय एयरटेल के नतीजे कल मुख्य धारा में होंगे, सबका फोकस इसी पर होगा, आपके मुताबिक किस तरह के नतीजे आ सकते हैं? प्रतिस्पर्धा काफी ऊपर के तरफ है और अगर 15 साल के बाद पहला लॉस यानी कि नुकसान अगर ये दर्ज करते तो मेरे ख्याल से ये चिंताजनक बात होगी। एज अ डिस्क्लोजर, भारतीय एयरटेल पर बिकवाली की हमारी राय है और हमें नहीं लग रहा है कि प्राइसिंग पावर बहुत जल्द लौट करके आएगा जिस तरीके से जियो के तरफ से काफी ऊपर के तरफ कंपटीशन चल रहा है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अब रुक करते हैं सीधा निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर, जहां पे हमारे जानकारों ने आपको निफ्टी कॉल्स दिए हैं। श्रीकांत चौहान की रणनीति लाएंगे खरीदारी की सलाह, 10,520 का स्टॉप लॉस 10,700 के टारगेट के लिए। विकास सालूखे भी यहां आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 10,520 का स्टॉप लॉस 10,640 का टारगेट इनके मुताबिक। सिमी बॉम्बे खरीदारी की रणनीति दे रही है, 10,520 का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 10,610 से 630 के बीच का। टेक्निकल चार्ट पर आज मानव चोपड़ा एसटीआर टेक में खरीदारी की रणनीति दे रहे हैं और 345 का स्टॉप लॉस और 370 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। चंदन तपाड़िया यहाँ मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की रणनीति लेकर आए हैं वायदा से फायदा में और 428 का स्टॉप लॉस 455 के टारगेट के लिए। तो ये हमारे जानकारों की राय है, लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद गौरांग शाह की आज की वैल्यू पिक। रुक करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। गौरांग, बताएं आपने कौन से स्टॉक को चुना है वैल्यू पिक के तौर पे आज? मिड कैप की कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन बनाने वाली कंपनी है केसी इंटरनेशनल कविता। इस स्टॉक को मैंने पहले भी इसी शो में जिक्र किया था और जो पिछली तिमाही के नतीजे आए थे उसको देखने के बाद हमारे जो लक्ष्यांक थे हमने ऊपर की तरफ बढ़ाए, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि आने वाले जो भी तिमाही के नतीजे होंगे और इस वित्तीय साल के जो नतीजे होंगे उसमें सुधार बेहतरीन के लिए देखने मिलेगा। ये
इस कंपनी की ऑर्डर बुक काफी सक्षम है और उतनी ही सक्षम है कंपनी की मैनेजमेंट और एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। लंबी अवधि के नजरिए से यानी कि 16 से 18 या 20 महीने का अगर आप नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 540 तक के लक्ष्यांक बहुत ही आसानी से यहाँ पर मुकम्मल हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर केस इंटरनेशनल आपकी आज की वैल्यू पिक है और लगभग 20 महीने का आप नज़रिया रेकमेंड कर रहे हैं लेकिन 540 का टारगेट है। इसी के साथ ही रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। देते हैं आपके सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। दिल्ली से स्नेहल वर्मा का सवाल लेंगे। वोल्टास में खरीदारी कर रखी है गौरांग, इन्होंने 646 इनकी बाइंग प्राइस है। अच्छा स्टॉक है, क्या इनको और लंबा रुकना चाहिए, किस टारगेट के साथ? एज अ डिस्क्लोजर, कविता हमारी लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय है और अगर साल डेढ़ साल का नजरिया 745 तक के लक्ष्यांक इनको मुकम्मल हो सकते हैं। 745 तक के लक्ष्य मिल सकते हैं, लिहाजा आपको इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है स्नेहल। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल एनबीसीसी पर लेंगे, अजमेर से संजय सिंह का। और गौरांग, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 311 है, काफ़ी टूट चुका है स्टॉक उसके इनके लेवल से, तो लेकिन क्या आप और रुकने की सलाह देंगे? मेरे ख्याल से अगर ये पुराना निवेश है तो कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ था, कुछ बोनस या कुछ था मेरे ख्याल से। अगर ये हकीकत में उतना पुराना निवेश है तो इनको चिंता करने की बात नहीं, और एनबीसीसी में अगर नजरिया लंबी अवधि का रखते हैं आप और एनबीसीसी में लंबी अवधि का नजरिया का तात्पर्य होता है कम से कम 2-2.5 साल, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 310-345 तक के लक्ष्यांक मिल सकते हैं, लेकिन इनको ये देखना होगा कि इनका निवेश कितना पुराना है और अगर वो बोनस का कंपोनेंट है तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और सहारनपुर से गौरव गढ़ का सवाल कैशल इंडिया पे है और 197 इनकी बाइंग प्राइस है। गौरांग, कितना और मुनाफा कमा सकते हैं और कितना रुकें? I'm sorry, कौन सा स्टॉक का जिक्र? कैस्ट्रॉल इंडिया। अगेन यू नो, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में बहुत ही पुराना और जाना पहचाना सा नाम, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और साल भर के नजरिए से 10-15% का इजाफा और देखें, लिहाजा रुके रहे हैं, आपको ये सलाह दे रहे हैं गौरांग। राजेश शाह का सवाल लेंगे हम, जामनगर से सवाल भेजा है करूर वैश्य बैंक पे और 120 की इन्होंने खरीदारी कर रखी है। गौरांग, देखिए ये बैंक पर एक समय पर हमारी खरीदारी की राय थी लेकिन हमारे लक्ष्य बदल होने के बाद हमने फिर से उसको ऊपर की तरफ बदला नहीं है लक्ष्य को, और ये लक्ष्य हासिल हो चुके, मैं उनको राय दूंगा कि अगर ये परिवर्तन करना चाहें तो फेडरल बैंक में परिवर्तन करें जहां पर 145 तक के लक्ष्यांक लंबी अवधि के नजरिए से 145 तक का लक्ष्य मिल सकता है। फेडरल बैंक में आपको अपना जो सौदा है वो तब्दील करने की सलाह दी जा रही है गौरांग शाह की तरफ से। कुछ और दर्शक भी हैं गौरांग जो अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। राजेश कुमार ने NIT में खरीदारी कर रखी है, लंबा नजरिया है और 120 गौरांग इनकी बाइंग प्राइस है NIT में। आज ही मेरे ख्याल से काफी हरकत में थे दोनों ही जुड़ा NIT टेक्नोलॉजी NIT लिमिटेड और ऊपर के तरफ के दायरे में चाहे तो मुनाफा बांध ले, क्योंकि जैसे मैं जिक्र कर रहा था IT क्षेत्र के स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, अब यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे काफी सीमित है। ओके, यदु अग्रवाल का सवाल है, इन्होंने 78 में हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी कर रखी है। गौरांग, परिवर्तन करें और ये परिवर्तन के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में अपना निवेश परिवर्तन कर सकते हैं बशर्ते कि ये लंबी अवधि का निवेश। चलिए तो आप इसमें से निकल के सेल में अपना निवेश डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और AB कैपिटल में पैसे लगाए हुए हैं 160 पर नीलम छाबड़ा ने, किस अवधि की निवेशक है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है लेकिन AB कैपिटल क्या कहेंगे आप? देखिए जब ये एकजुट कंपनी थी तब हमारी कवरेज थी और ये कंपनी पोलर ग्रुप में लिस्ट करने के बाद कवरेज नहीं है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट काफी सक्षम है और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है अगर नजरे हम लंबी अवधि का रखते हैं तो नतीजों के आधार पर ये निरंतर रिव्यू करे अपना निवेश और उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते। चलिए तो आपको रिव्यू करने की सलाह दी जा रही है, हालांकि आपका नजरिया इसके लिए लंबा होना चाहिए। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, गौरांग डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, निजी निवेश नहीं है लेकिन इसी तरह से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद समय निकाल कर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए गौरांग, और कल का बाजार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।